आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा, मतलब जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हमें या वो तो हमारे यहाँ से कोर्स करके ही गए हैं, और ये रेजिस्टेंस दो कंपोनेंट हमें दिखा देते हैं। अब ये दो कंपोनेंट हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये दो कंपोनेंट हमें स्क्रैप से मिलेंगे। आप भी अगर अवेलेबल तो आप इसी को निकालेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज, एलईडी एलसीडी ट्रेनर। आज इस वीडियो में आपके साथ एक बोर्ड, एलईडी बोर्ड लेके आया हूँ, जिसको हम लैब प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे इसको रिपेयर करेंगे, ये रिपेयर हो भी पाता या नहीं। तो देखिए, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमें, जैसे कि हम मार्केट से आया ये बोर्ड हमारे पास रिपेयर होने के लिए, इस ये कॉम्बो बोर्ड है जो 43 इंच के बोर्ड में लगा हुआ था। ये 43 इंच के एलईडी टीवी का बोर्ड है जो स्मार्ट बोर्ड है। ये इसमें पावर सप्लाई और लॉजिक कार्ड कॉम्बो, मतलब एक साथ ही है, होते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कस्टमर का कहना है कि इसमें कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा, मतलब जो भी हमारे टेक्नीशियन भाई हमें या वो तो हमारे यहाँ से कोर्स करके ही गए हैं, स्टूडेंट ही है। तो लेकिन वो अभी उनका भाई लेके आया था, वो बोले कि सर इसमें कोई, भैया बोले आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा। तो हम इसमें चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और कैसे इसको हम ठीक कर देंगे, तो वो हम इस चीज को देखेंगे। ये इससे पहले सर्विस सेंटर में भी बोर्ड जा चुकी है, तो सर्विस सेंटर में कई बार कई कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं, कई चीजें दिक्कत भी होती है। अगर आपका वारंटी पीरियड खत्म होती है, वहां पे चार्जेस ज्यादा करते हैं, तो उस टाइम में ये चीजें होती है। बिना किसी देरी का चलिए हम आपको सीधा वीडियो में ले चलते हैं और आपको बताते हैं टॉपिक क्या है और कैसे इसको हम ठीक करें, क्या क्या चीजें हम इसमें चेक करें। तो इसमें सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, सप्लाई देके हम चेक करेंगे। तो हम आपको सप्लाई देके चेक करवाते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। फ्रेंड, अगर आपको भी एलईडी एलसीडी का कोर्स करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप तुरंत कॉल करें और कोर्स के रिलेटिव जानकारी लें। हमारे यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल क्लास बताए जाते हैं, जो भी मार्केट से, जैसे कि मार्केट से बोर्ड आता है, इसके साथ आपको लाइव में आपको दिखाया जाता है, आपसे करवाया जाता है रिपेयर, ये होता भी है नहीं भी होता, कोई यहाँ पे फर्जी वाला काम नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम सबसे पहले सीरीज कनेक्शन देके चेक करेंगे। जब भी सप्लाई को चेक करें आप, तो हमेशा सीरीज कनेक्शन देके ही सबसे पहले चेक करें। ये मेरा होल्डिंग आयरन ठीक है, कनेक्शन कर लेते हैं। इसको हमने कनेक्शन कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं और आपको दिखाते हैं इसका वोल्टेज का क्या। तो मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, ये मैं इसमें सप्लाई दे दिया और मैं आपको मल्टीमीटर पे चेक भी करा रहा हूँ। ये देखिए, आपको मल्टीमीटर दिख रहा होगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ईएमआई का वोल्टेज, यहाँ पे हमारा 300 वोल्टेज प्रॉपरली बन रहा है। ठीक है, हम थोड़ा मल्टीमीटर को उठा देते हैं, आपको सही से दिखे। अब देखिए, यहाँ पे आपको वोल्टेज 300 वोल्टेज बन रहा। अब हम देखेंगे इसका जो हमारा आउटपुट वोल्टेज, जो 12 वोल्टेज होती है, मतलब 12 वोल्ट, वो आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये वोल्टेज हमारा स्टेबल हो ही नहीं रहा है, ये वोल्टेज हमारा स्टेबल हो ही नहीं रहा, यानी कि इस वोल्टेज का स्टेबल, हमें सबसे पहले इस वोल्टेज को स्टेबल करना है, और यही कारण है कि कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं निकल रहा है। यानी कि हमें प्रॉब्लम मिल गया कि हमारा प्रॉब्लम जो वो इस 12 वोल्ट के सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो हम इस 12 वोल्ट सेक्शन को ही वन बाय वन चेक करेंगे। अब इसकी सेक्शन कैसे वन बाय वन चेक करते हैं, वो हम आपको डीपली यहाँ पे हमारे यहाँ कोर्स में बताए जाते हैं, लेकिन हम तो इस पर रिपेयर करेंगे, इसको हमें जल्दी से जल्दी काम करके देना है। तो हम आपको वही दिखाएंगे कि इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आइए, हम आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको चेक करेंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है, कौन से कंपोनेंट में क्या दिक्कत है। तो हम आपको अच्छे से दिखने के कारण आपको हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड, देखिए हम आ चुके हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे हम सबसे पहले चेक करते हैं, जैसे हमारा एसटीआर सेक्शन से निकलता है ये वोल्टेज, हम इसको एसटीआर सेक्शन से सबसे पहले चेक करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नया बोर्ड है, तो
वोल्टेज इसका फ्लैक्चुएट हो रहा है, यानी कि इसके आउटपुट में दिक्कत होगी। तो आउटपुट में वोल्टेज फ्लैक्चुएट होने के दो कारण होते हैं, एक हमारा ऑप्टो कपलर और एक हमारा ऑप्टो कपलर के बगल में रेफरेंस वोल्टेज के लिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से कुछ कंपोनेंट निकाले गए हैं, जैसे कि ये हमारा जो ऑप्टो कपलर है, इस ऑप्टो कपलर को, इस ऑप्टो कपलर पर भी काम हो चुका है, इससे पहले हो सकता है कि कोई काम किए हैं, वोल्टेज में अगर ऐसी दिक्कत आया हो। तो ये ऑप्टो कपलर चेंज हो रखा है, ये देख सकते हैं, इस पर आयरन का उपयोग किया गया है, साफ साफ दिख रहा है आपको आयरन का उपयोग किया गया है, ये देख सकते हैं। तो इस ऑप्टो कपलर को निकाला गया और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, जिसका TL431 के नंबर से वो जाना जाता है, वो ट्रांजिस्टर यहाँ से निकला हुआ है। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है, जो 470 ओम के आसपास लगभग LVRE रजिस्टर होता है, वो 50 ओम के आसपास का होता है, वो भी यहाँ से निकला हुआ है, जो रेजिस्टेंस इस 12 वोल्ट को, इस ऑप्टो कपलर को कनेक्ट करता है, जिसको ये रेजिस्टेंस कम करके वोल्टेज यहाँ पे देता है, जो कि लगभग 10-11 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आता है। ये रेजिस्टेंस और ये TL431 ट्रांजिस्टर यहाँ से निकाला गया, और निकालने के बाद इसकी प्रिंट भी साफ। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की जगह पे एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कंपोनेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे देख सकते काम वर्क का ये रेजिस्टेंस भी छिड़ा हुआ है, तो हो सकता है मे बी कि ऑप्टो कपलर सही हो या खराब ही हो। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम दिखने को मिला हम वही करेंगे, कभी भी रिपेयरिंग लाइन में जो हमें मिलता जाता है उसको हम रिजॉल्व करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगाएंगे और ये रेजिस्टेंस, तो दो कंपोनेंट हमें लगा देते हैं। अब ये दो कंपोनेंट हमें कहाँ से मिलेंगे, तो ये दो कंपोनेंट हमें स्क्रैप से मिलेंगे। जी हाँ, आप भी अगर रिपेयरिंग करते हैं तो रिपेयरिंग करने टाइम में आपको स्क्रैप बोर्ड रहना आपके पास जरूरी होता है, जिससे आपको काफी मदद मिलता है। जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं आप स्क्रैप बोर्ड है, ये हमारे पास ये बोर्ड है और ये हमारा स्क्रैप बोर्ड है। अब इसमें हम देखेंगे कि TL431 हमारे स्क्रैप बोर्ड में होंगे, तो हम इसमें से निकालेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि TL431 जो होता है वो काम कैसे करता है। TL431 ये डुअल ट्रांसफार्मर वाला बोर्ड है, तो ये इसमें नहीं आ पाएगा, से ये होता देख सकते हैं कि मैं यहाँ से कितना सारा कंपोनेंट निकाल रखा हूँ अलग अलग बोर्ड लगाने के लिए। स्क्रैप बोर्ड रहने से यही बेनिफिट होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया दोनों TL431 और रजिस्टेंस अवेलेबल। तो हम इसी को निकालेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, फिर इसको हम निकालेंगे। Thank you.
तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पे इस रजिस्टर पे थोड़ा सा मुझे डॉट लग रहा है, इसको थोड़ा सा क्योंकि मैंने इसको जो ट्रेसिंग किया है बी पेंट पे थोड़ा सा इसमें बीपिंग की आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा इसको एक बार शोल्ड कर अपना। अब मैं इसको चेक करूँगा, इसको मैं डीसी रेंज पे लगा रखा है, देख सकते हैं 300 बन रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है यहाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा फिक्स स्टेबल 12 वोल्ट बन चुका है, यानी कि हमारा 12 वोल्ट का सेक्शन तो काम कर रहा है। और भी आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट के बाद हमारा 5 वोल्ट बनता है, ये हमारा 5 वोल्ट का कॉइल है, ये ले यहाँ भी वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे 5 वोल्ट का आईसी भी निकाला गया, 5 वोल्ट सेक्शन का आईसी भी निकाला गया। तो अब इस 5 वोल्ट में कैसे बनाते हैं, तो ये वीडियो काफी बड़ी हो गई होगी, तो इसीलिए मैं इसको बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वीडियो डाल दूंगा कि 5 वोल्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि किस तरीके से हम काम करते हैं, जैसे हमने आपको बताया टीएल 431 के बारे में हम कुछ आपको समझाएंगे, तो आइए स्क्रीन पे हम आपको मार्कर से कुछ समझाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं, ये जो टीएल 431 होता है ये 3 पिन का एक ट्रांजिस्टर होता है, 3 पिन का एक ट्रांजिस्टर होता है, ये हमने इसका 3 पिन बना दिया टीएल 431। ये आईसी जो होता है ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर होता है। इस 3 पिन का ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक पिन इसका जो होता है वो होता है क्या कहते हैं रिवर्स, जो रेफरेंस के लिए देता है, एक हमारा हो जाता है इसका एनोड और एक हो जाता है हमारा कैथोड। तो इसका 3 टाइप का रिपेयर यहाँ से चलता है, जैसे इसके कैथोड से सप्लाई आती है तो एनोड जो होता है, ये एनोड पिन जो होता है ये पिन हमेशा क्या रहता है ग्राउंड पिन के साथ जुड़ा होता है, जीएनडी के साथ जुड़ा होता है। और जो इसका कैथोड होता है इस कैथोड पे हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, इस कैथोड पे 12 वोल्ट सप्लाई आता है, जो हम एलईडी टीवी की बात कर रहे हैं। और इसके रिफरेंस से यहाँ से हमारा वोल्टेज जो होता है वो फीडबैक के लिए आउट होता है, जो रिफरेंस से फीडबैक के लिए आउट होकर एक रजिस्टर को लगाकर, एक रजिस्टर लगा कर जो हमारा ऑप्टो कपलर है, वो ऑप्टो कपलर, इस ऑप्टो कपलर के 1, 2, 3, 4 इसके 1, 2 नंबर पिन से यह जुड़ा होता है। और जो इसका 1 नंबर पिन होता है, इस 1 नंबर पिन पे एक रजिस्टर से सीधा 12 वोल्ट की सप्लाई जुड़ी होती है, जिससे इसका 3 नंबर पिन ग्राउंड होता है और ये 4 नंबर पिन जो होता है ये आईसी को जाता है, जो फीडबैक के लिए जाता है। ये ऑप्टो कपलर को खराब हो जाने से भी हमारा वोल्टेज में सेम फ्रिक्वेंसी आता है, ये ऑप्टो कपलर हो गया और ये हमारा टीएल 431 आईसी। अब इस आईसी का रिफरेंस वोल्टेज, जब तक ये रिफरेंस वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये जो वोल्टेज यहाँ पे ये वोल्टेज स्टेबल नहीं रहेगा, जिससे हमारा आउटपुट जो ये 12 वोल्ट है ये बिल्कुल नहीं बनेगा, इसमें फ्लक्चुएट आ रहा, जैसे कि हमने आपको प्रॉब्लम कर दिखाया और उसको कैसे ठीक करते वो दिखा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, अगर आपके पास भी इसी तरह से प्रॉब्लम आता है, अगर आपको कोर्स करना हो एलईडी एलसीडी टीवी का तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें, कोर्स की रिलेटेड सारी जानकारी लें। हमारे यहाँ और भी तरह के कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे एसी पीसीबी, ई रिक्शा, ईवी, होम इन्वर्टर, बहुत सारे कोर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, जो हमारा नई दिल्ली उत्तम नगर में, तो बाकी जानकारी आप कॉल करके नंबर पर ले सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी के साथ मिलते हैं, थैंक यू।